टिकटॉक पर वीडियो बनाना पड़ा भारी, अब ढूंढ रही है टीकमगढ़ पुलिस। न्यूज मिशन में आपका स्वागत है। न्यूज मिशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का युवा करते दुरुपयोग। टिकटॉक पर नाचते और हाथों में अवैध हथियार लहराते ऐसा ही एक वीडियो हुआ वायरल। युवाओं को कानून व किसी की जान माल का नहीं है भय। नशे में नाचते युवा यह भी भूल गए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासन द्वारा कड़े नियम बनाकर इस तरह से शादी विवाह जैसे समारोह में हथियारों के प्रदर्शन एवं हर्ष फायरिंग पर पूर्णतया रोक लगाए जाने के बावजूद भी लोग नियम कानूनों को ताक पर रखकर न सिर्फ सार्वजनिक समारोह में हथियार लहरा रहे हैं बल्कि खुलेआम फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हर्ष फायरिंग और अवैध हथियार लहराते लोगों द्वारा कानून तोड़ने वाले इस वीडियो को अपनी फेसबुक और टिकटॉक पर भी डाल रखा है। यह फेसबुक अकाउंट टीकमगढ़ निवासी अंकित तिवारी उर्फ नाटू के नाम से चालू है, जबकि इस समय पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर होने के साथ साथ जिले में धारा 144 लागू होने व पुलिस द्वारा लगातार सोशल साइट्स पर नजर रखी जाने का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके यह फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट आम लोगों की नज़र में होने के बाद भी पुलिस की नज़र से कैसे बचा हुआ है, यह वीडियो इन दिनों नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, जो वीडियो वायरल हुआ है तमंचे पे डिस्को वाला, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये किसी समारोह का वीडियो है जो वायरल हुआ, जिसमें कोई लड़का डांस करते हुए कोई तमंचा या कोई लाइसेंसी हथियार भी हो सकता है वो लेके डांस कर रहा है। हम लोगों ने इसमें शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई जो संभव होगी तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। सर, युवक कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में अभी थोड़ा पता रसी प्राइमरी तौर पर हम लोगों ने कोई अंकित तिवारी नाम का लड़का है जो संभवतः ही टीकमगढ़ में ही रहता है और उसकी तलाश की जा रही है इसमें।